हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल पर गाइस जो आप लोग डिफाइन अब तक कल वीडियो नहीं इसका स्टोरी पर आज वीडियो एंजॉय करो। तो आज होने वाला है ओमनी मैन वर्सेस रोमन रेंज और गोकू जो का हैंडीकैप मैच होगा। भाई ये गोकू कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया, देख सकते हो 93 का ओवरऑल है फिलहाल। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए मैच को चालू करते हैं और देखते हैं क्या गोकू और रोमन रेंज मिलकर ओमनी मैन को हरा पाते कि नहीं। तो चलो चालू करते हैं कि गोकू हरा पाता है कि नहीं। अगर 93 के साथ हरा दिया गोकू तो बहुत बड़ी बात। तो रोमन और स्टार्ट कर रहे हैं। ओ ओमनी मैन को पहला स्पीयर, ओमनी मैन और गोकू ने स्टार्ट किया। चलो ओमनी मैन को लग गया है फिनिशर, 2 काउंट हो गया। आते ही रोमन छूटे यार फिनिशर के लिए, नहीं तो ऐसे में ओमनी मैन फिनिशर देते हैं। और रोमन एक और स्पीयर, ओ बड़ा छोटा मैच हो गया भाई। ओमनी मैन खत्म रियली भाई, 1 मिनट का मैच ये क्या था, क्या था ये? मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। भाई भाई मुझे भरोसा हो नहीं रहा है। पहली बार 99 ओवरऑल है, एक झटके में खत्म। दो दो फिनिशर मार दिए रोमन ने और ओमनी मैन उड़ गया। नहीं एक और रीमैच करेंगे भाई, एक और रीमैच। ऐसा कैसे? चलो ओमनी मैन और रोमन ने स्टार्ट किया। इस बार ओमनी मैन मार रहा है भाई। इस मैच में गलत नहीं हो गया भाई कुछ, शुरू होते ही मैच 1 मिनट भी नहीं खत्म मैच भाई इतना जल्दी। चलो अभी ओमनी मैन मार रहे हैं भाई रोमन को, अच्छे से मैच हो भाई। एक झटके में क्या था ये, ओमनी मैन जैसा स्क्वाश कर दिया भाई रोमन ने तो। चलो अब रोमन पीट रहे हैं, अब ओमनी मैन रिवर्स कर दिए। चलो मुझे तो गोकू का देखना था भाई। चलो ओमनी मैन ने फिनिशर लगा दिया पर रोमन ने रिवर्स कर दिया। और रोमन जा रहे स्पीयर, रिवर्स ओमनी मैन ने रिवर्स कर दिया रोमन का स्पीयर। कोई बात नहीं, रोमन के पास एक और स्पीयर है। रोमन फिर से स्पीयर के लिए, पर ओमनी मैन मौका नहीं देंगे इस बार ओमनी मैन ने मौका नहीं दिया भाई। और गोकू अभी भी बैकग्राउंड में है, खड़े पीछे रुक के पीछे। पर भाई पिछला मैच में जो हैरान कर दिया भाई, अचानक से बस खत्म ओमनी मैन। तो इस बार तो रोमन पिट रहा है भाई, इस बार स्क्वाश करने का मौका नहीं दिया ओमनी मैन। ऐसा मैच होना तब अच्छा लगता भाई। टू मैच कम से कम 1-2 मिनट चले, फिर रोमन का स्पीयर कनेक्ट कर दिया भाई। आते रोमन ने स्पीयर कनेक्ट कर दिया, एक स्पीयर तो कनेक्ट कर दिया रोमन ने। टू चलो इस बार थोड़ा सही से चल रहा मैच, अभी स्क्वाश नहीं अच्छा हुआ। पर ओमनी मैन ने रिवर्स कर दिया, ओमनी मैन रिवर्स किए और एक फिनिशर लगा दिया रोमन को। ओ रोमन फिर से रिवर्स भाई, रोमन बहुत रिवर्स कर रहे हैं भाई। ये क्या अपडेट के बाद रोमन और ज़्यादा ही खतरनाक हो गए। चलो एक और स्पीयर ओमनी मैन को, ओमनी मैन खत्म हो सकते भाई। 1-2 चलो रेजिलेंस यूज़ कर लिया भाई। ये जो अपडेट आया अभी कल परसों में ना, उसका लगता है रोमन और खतरनाक हो, इतना नहीं था भाई। मैं खुद हैरान हूँ भाई, ओमनी मैन इतना जल्दी नहीं एलिमिनेट होता था भाई। क्या ही कांड कर दिया, लगता है अपडेट में कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है यार। छोटा ही अपडेट था, ज़्यादा नहीं अपडेट हुआ मेरा, छोटा मोटा ही अपडेट था। पर उसमें भी रोमन इतना तो रिवर्स नहीं करते थे, ये मैं जानता हूँ। रिवर्स करते थे भाई, पर ऐसा भी रिवर्स नहीं। चलो ओमनी मैन को पूरी तरह से पीट के ऑरेंज कर दिया बॉडी रोमन ने। और ओमनी मैन का फिनिशर आने वाला भी है नहीं, रोमन की बॉडी येलो। गोकू को टैग दे दो यार, गोकू को देखना है यार मुझे। रोमन गोकू को टैग दे दो यार, एक बार गोकू का मैच देख ले प्लीज। रोमन जाओ टैग दो। रोमन भाई टैग दे दो यार, डबल टीम के लिए लेके जा रहे भाई रोमन। पर रेफरी के चलते बिगड़ गया, रोमन आ ही जाते पर रेफरी उधर खड़ा था ना बोल के। अब ओमनी मैन मौका देते हैं कि नहीं पता नहीं। ओमनी मैन के पास फिनिशर आने वाला, आ गया ओमनी मैन के पास और लगा दिया फिनिशर। लो अब रोमन रिवर्स नहीं कर रहा है और बच गया रोमन, एलिमिनेट नहीं हुआ भाई। इस बार रिवर्स नहीं किया, फर्स्ट स्टैंड है रोमन। गोकू बचा लिया, गोकू ने बचा लिया और गोकू अपना काम करके सीधा बाहर। चलो रोमन की पिटाई अच्छे से हो रही है, बॉडी रोमन की रेड हो गई। देखो ओमनी मैन की बॉडी आनी थी ऑरेंज थी, पर अब रोमन की बॉडी रेड हो गई। रोमन एक बार टैग दे दो यार गोकू को, डबल टीम के लिए जा रहे हैं। इस बार डबल टीम हो जाना चाहिए। हाँ भाई टैग मिले, चलो गोकू अंदर आया। अब देखते गोकू क्या कर सकता है, गोकू वर्सेस ओमनी मैन, यही तो देखना था भाई। चलो रिवर्स कर दिया DDT। ओ फिर रोमन के पीछे,
अरे ओमनी मैन, रोमन को छोड़ो, रोमन लीगल आदमी नहीं है। अभी गोकू से भिड़ो ओमनी मैन, रोमन को ज़्यादा हराना चाहते भाई। गोकू पिट रहा है भाई फिर से, रोमन नहीं। चलो अच्छा ठीक है, अब गोकू से भिड़ो जाके। क्या है गोकू को इधर से उधर फेंके पड़े भाई ओमनी मैन। चलो फिलहाल गोकू ने अब रिवर्स कर दिया फिर से ओमनी मैन ने। मुझे लगा था गोकू मारना चालू करेगा पर ओमनी मैन मौका नहीं दे रहा, बेयर हक नहीं नहीं चलो फेंक दिया बाहर। सिक्स हो गया है, अंदर जाओ दोनों, अंदर जाओ भाई। सिक्स हो गया है, काउंट आउट हो गया, तो अभी रोमन ही जीत जाएगा भाई टीम, क्योंकि हैंडीकैप मैच है ना भाई। रोमन भाई अभी टैग मत लेना, गोकू अच्छी बात है। चलो पर रिवर्स कर दिया ओमनी मैन ने इस तरह जैसे तैसे। गोकू के पास दो दो फिनिशर है और रोमन के पास एक सिग्नेचर है भाई, और ओमनी मैन के पास आने वाला है भाई जल्दी फिनिशर। गोकू रिवर्स करो भाई यार, ना गोकू के पास फिनिशर फेनोमिनल फोर आर्म दिया है मैंने, क्योंकि उड़ता है भाई। तो ओ F5 लग गया है, F5 पड़ गया गोकू को, और बॉडी ओ फिनिशर भी पड़ गया, एक स्टंट हो गया है। बॉडी येल्लो कर दी भाई, हेड और बॉडी येल्लो कर दी गोकू की एक फिनिशर में। ओके गोकू भाई अच्छा पिटा रहे भाई, मैं तो उसमें अच्छा रिवर्स कर दिया गोकू ने, फिर ओमनी मैन ने रिवर्स कर दिया। ओमनी मैन लगता है गोकू को एलिमिनेट करके छोड़ेंगे भाई। ओवरऑल मैंने 93 रखा था ना, मैं गलती से एआई का ओवरऑल 93 रख दिया ना, और प्लेयर वाला का ओवरऑल 99, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। गोकू का ओवरऑल 93 नहीं भाई 99 था ओमनी मैन से भिड़ने के लिए, और चलो पिट रहा है गोकू। ओवरऑल का मैंने इसलिए थोड़ा 93 है, 99 होना चाहिए था। चलो रिवर्स कर दिया है फिनिशर, बहुत बढ़िया गोकू, तीन तीन फिनिशर आ गया भाई गोकू के पास। डीडीटी, अब जब फिनिशर लगाओ फिनिशर लगाओ गोकू, बस अब गोकू जा रहे फिनिशर के लिए। लग गया, लगा दिया भाई फिनिशर में खत्म। तो गोकू और रोमन रेंज जीत गए भाई, खत्म कर दिया रोमन रेंज ने, डैमेज कर दिया था बहुत बढ़िया। अब इसको बोलते हैं ना विनिंग वाला मैच। चलो भाई 93 ओवर गोकू का, पर गोकू के एक फिनिशर में खत्म हो गया भाई ओमनी मैन। वो अलग बात है कि पहले पड़ चुका था हैंडीकैप मैच था, पर ओमनी मैन बहुत ताकतवर है भाई। ये मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात है भाई गोकू के लिए, वो भी लेजेंड मोड है ना भाई, क्योंकि इसमें भी जीत गया तो खतरा खतरनाक भाई। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थोड़ी देर बाद, यानी शाम को। ये तो सुबह की वीडियो थे, तो और मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।